जी। एक बेटा बेटी के लिए उदास है, दुखी भए जेवर जी, लगत नहीं घर में जी। क्यों? कोई ना भाई संतान, लगत नहीं घर में जी, कोई ना भाई है संतान। राजा जेवर सिंह दुखी होकर अपने महल से राज दरबार में चले जाते हैं। इधर माता वात्सल्य विचार करने लगी है कि मेरी शादी को तो 12 साले हो गई, पर मैंने आज दिन तक अपने पिया राजा जेवर सिंह को कभी सुबह का भोजन आंगन में बैठा के नहीं करवाया। आज मेरे दिल में ऐसी आ रही है कि अपने पिया राजा जेवर सिंह को राज दरबार से बुलवाऊंगी और अपने हाथों से हम भोजन करवाऊंगी करवाऊंगी। तो माता वात्सल्य अपनी मौगा देवांदी को बुला लेती, कहने लगी वे ना आर मैया बांदी लई है बुलवाए। माता वात्सल्य और मैया बांदी लई बोलवा बोलवा तीसे बोल लई री ए बांदी, और मैया बांदी लई बोलवा बोलवा तीसे बोल री आहा। माता वात्सल्य कहने लगी बहना चली जाओ राज दरबार में और मेरे पिया राजा जेवर सिंह को इन महलों में लेकर आओ। ठीक है माँ। जैसे ही माता वात्सल्य ने अपनी मूंगा देवांदी से कहा तो आज मूंगा देवांदी राजा जेवर सिंह के दरबार में जा रही है। किस प्रकार से? देख भैया थोड़ी इधर हो जाओ तो अति कृपा हो जाएगी आपसे। मैलन सरे बांधी चले भैया जाए रही राज दरबार, डगरी डगरी बेटा बांदी राजा जाय रही बांदी चलत अधुरिया चाल री, डगरी डगरी बांदी आवे भैया जाय रही राज दरबार री। पहुंच गई राज दरबार और राजा से ऐसे बोल रही और तुम्हें रानी रही है। वाह
बांधी पहुंच जाती है। कहने लगी महाराज कहिए आपको मेलों में आपको